आई हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, आ मेरे दिल में यूं ही रहना। आगे क्या है? होता है और उसका बेसिकली क्या यूज होता है आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप अपने लैपटॉप मोबाइल या कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखेंगे तो वहां आपको कुछ ऐसे सिंबल्स या कहें कुछ ऐसे कैरेक्टर मिल जाएंगे जिनका एक्चुअल नेम शायद ही आपको इसके बारे में पता होगा। लेकिन मेरे बहुत से भाई होंगे जो कंप्यूटर के फील्ड में जॉब कर रहे हैं या कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं या कंप्यूटर की पढ़ाई कर चुके हैं, और बाय द वे अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई जरा इस सिंबल्स का एक्चुअल नेम मुझे बताओ, तो शायद आप में से बहुत से लोग होंगे जो इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो छोटे बड़े कैरेक्टर होते हैं या सिंबल्स होते हैं उनका एक्चुअल में असलियत में उनका एक्चुअल नेम क्या होता है, आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप एक कॉपी और एक कलम ले लीजिए, जैसे जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन देता जाऊं वैसे वैसे ही आप इसको लिखते चले जाइएगा। इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दिल की जो प्यारी प्यारी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और मेरे नए मेहमानों से अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो। बस बस म्यूजिक। बारात से लौटते वक्त कुछ लड़कों को गलतफहमी हो जाती है कि अगर आज रात मैं बारात में रुक जाता तो इस पीली सूट वाली को जरूर पटा देता। दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरे।